बढ़ते आगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदारों के लिए खराब खबर है। सरकार फेम टू की सब्सिडी घटाने की तैयारी में है। क्यों, कितनी और क्या असर पड़ेगा, बताने के लिए तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए। यहाँ पर सर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए जो फेम टू सब्सिडी इन्होंने पहले प्लान की थी, यानी कि यहाँ पर 15,000 प्रति किलोवाट या फिर 40% एमआरपी का 40% विच एवर इज लोअर, ये सब्सिडी का प्लान था। अब यहाँ पर आगे जो प्रपोज्ड सब्सिडी है फेम टू के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर, वो ये है कि 10,000 प्रति किलोवाट, यानी कि 15,000 प्रति किलोवाट से घटाकर 10,000 प्रति किलोवाट या फिर 15% ऑफ एमआरपी करने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। तो क्लियर कट 33% यहां पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए फेम टू सब्सिडी कम हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं, खासकर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, उनकी बिक्री पर आगे चलकर असर होगा, क्योंकि जो ओवरऑल क्वांटम या फिर अमाउंट ऑफ सब्सिडी पहले मिलती थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर, वो अब कम होती हुई दिख रही है। अब यहां पर इनकी जो कीमतें हैं फेम टू सब्सिडी कम होने के बाद, जो इफेक्टिव प्राइस है वो क्लियर कट 35 से 40% हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। अब फाइनल जो डिसीजन निकल कर आएगा उसके बाद देखना होगा कि क्या प्राइसेस बनती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की। पर इसमें टीवीएस मोटर पहले तो, क्योंकि इनकी जो आई क्यूब है वहां पर उसकी प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प उनकी खुद की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और साथ ही एथर एनर्जी आपको याद होगा उसमें भी इनका 35% करीबन हिस्सा है, तो वहां पर भी उनकी उसकी जो सेल्स है उस पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही एम्पियर जो व्हीकल्स हैं, यानी कि ग्रीव्स कॉटन, उस पर भी फोकस रखिए, उनकी भी बिक्री पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ऑल इन ऑल इफेक्टिवली जो प्राइसेज हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सब्सिडी की वजह से जो सिग्निफिकेंटली कम हो रही थी, वहां पर अब अमाउंट कम होता हुआ दिखेगा। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो सेल्स है उस पर आगे चलकर इम्पैक्ट हो सकता है, और यही मामला पूरे के पूरी सब्सिडी को लेकर, फेम टू सब्सिडी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को लेकर है। तो असर तो सब पर पड़ेगा, लिस्टेड कंपनियों में टीवीएस मोटर्स है, एक तो आई क्यूब टीवीएस मोटर्स का, और साथ ही हीरो मोटोकॉप, एक तो विडा उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और साथ ही एथर एनर्जी में भी उनका 35% स्टेक है। तो हीरो और थोड़ा टीवीएस मोटर्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू व्हीलर्स वाले मामले में है, तो इनके लिए थोड़ी नेगेटिव। और बजाज का भी है, वो चेतक सब बना तो सभी रहे हैं धीरे धीरे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी बना रहे हैं। तो ये आपके लिए टू व्हीलर्स कंपनियों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है। फेम टू की सब्सिडी घटाने की तैयारी में है।